रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें मेष लग्न के जातकों के विषय में मैंने बताया, वृषभ लग्न के जातकों के विषय में मैंने बताया। अब बात करता हूँ मिथुन लग्न के जातकों को कौन कौन से स्टोन धारण करने चाहिए, उनको रत्न पहनने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मिथुन लग्न के जो जातक हैं, इनको बुध का जो रत्न होता है, जिसको हम पन्ना कहते हैं, उसको धारण करना चाहिए। और मित्रों, इसके साथ साथ शुक्र का रत्न ओपल हीरा, इसको भी धारण करना चाहिए। शनि का रत्न नीलम, इसको भी धारण करना चाहिए। और गुरु का रत्न पुखराज, इसको भी पहना जा सकता है, धारण किया जा सकता है। मित्रों, ये सब मिथुन लग्न के जातकों की जो कुंडली हैं, इनके विषय में मैंने इन रत्नों को आपको बताया। अब इसके बाद में हम आपसे बताएं कि मान लीजिएगा 3, 6, 8 और 12 नीच ग्रह हैं, या इन जो मैंने रत्न बताए हैं इनके स्वामी उन स्थानों पर नीच होकर के बैठे हुए हैं, तो आपको यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और अगर आप धारण करते हैं तो अनेकानेक प्रकार की समस्याओं का सामना आपके जीवन में आ सकता है। तो आप तो इन रत्नों को धारण करेंगे, अब हम आपको बताएंगे आप कौन कौन से रत्नों को धारण नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जिन रत्नों को हम धारण करते उनको बताया, जिन रत्नों को हम धारण नहीं कर सकते हैं कौन, मिथुन लग्न के जातक, वह भी ध्यान से इसको सुनेंगे। चंद्रमा का रत्न होता है मोती, उसको नहीं धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ में सूर्य का रत्न होता है माणिक या रूबी, इन दोनों रत्नों को भी आपको धारण नहीं करना है। मंगल का रत्न होता है मूंगा, और मूंगा को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मिथुन लग्न की कुंडली के जो जातक हैं, इन तीन रत्नों को, इन तीन नगों को, इन तीन स्टोनों को भूल करके भी धारण ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। दैहिक, दैविक, भौतिक किसी न किसी तरह की समस्याएं उनके सामने आ सकती हैं। तो मित्रों, फिर मिलते हैं एक रोचक और अच्छे वीडियो के साथ में, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, आपका अनुभव बढ़े, ऐसी ही मंगल कामना हम करते हैं। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।